गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ रोशनी रेखाटे एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सिक्स क्लास मैथमेटिक्स, द चैप्टर नंबर 50, पेरीमीटर्स एंड एरिया. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी कैन डिस्कस द एक्सरसाइज 7.3, दैट इज डेसिमल चैप्टर, विल एंड हियर. सो दैट इज कम्प्लीटेड. सो इन दिस न्यू चैप्टर द पेरीमीटर्स एंड एरिया. सो हम डिस्कस करेंगे अभी व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया. पेरीमीटर मीन्स व्हाट. हमने थ्री डायग्राम्स निकाले, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है. सो हमें इसका पेरीमीटर्स निकालना है. पेरीमीटर्स मीन्स व्हाट. पेरीमीटर्स मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल साइड दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर. सो हम स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे. स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं. स्क्वायर में फोर साइड्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. सो हमें इन सब का पेरीमीटर्स निकालना है. ओके स्टूडेंट, सो हम अभी निकालेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमने इस साइड को, इस स्क्वायर को नाम दे दिया ए बी सी डी. सो हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल द साइड. सो हमें यहाँ पे साइड कौन सी दी हुई है. सो साइड से ए बी बी सी सी डी और ए डी, या फिर डी ए भी बोल सकते हैं या फिर ए डी भी बोल सकते हैं. सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मीन्स एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स. और उसके साइड्स पे जो भी हमें डायमेंशन दिए होंगे उन सबके एडिशन करेंगे तो हमें एडिशन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, या फिर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. सो नेक्स्ट देखेंगे अभी पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे अभी. ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने इसको नाम दिया पी क्यू आर एस. इसमें क्या होता है, दो लेंथ होती है और दो ब्रीथ होती है. ओके, सो अभी हमें इसका पेरीमीटर्स निकालना है. तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स. एडिशन ऑफ ऑल साइड्स मीन्स पी क्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी. ओके स्टूडेंट, सो हमें यहाँ पे ब्रिथ दी हुई है, दो ब्रिथ और दो लेंथ. सो अभी हम इसका पेरीमीटर्स निकालेंगे. यहाँ पे हमने पी क्यू को क्या नाम दिया, ब्रिथ प्लस क्यू आर को लेंथ. सो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास कितनी लेंथ है, दो ब्रीथ है प्लस दो लेंथ है. सो हम टू को कॉमन ले लेंगे, टू लेंथ प्लस ब्रीथ. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल.
ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी कैन डिस्कस द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल. सो हमने ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल को हमने नाम दिया ए बी सी. सो अभी हमें इसका क्या निकालना है, पेरिमीटर. पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. सो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड. सो हमें ट्रायंगल में कितनी साइड्स दी हुई है, हमें थ्री साइड्स दी हुई है, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड सी ए. सो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. सो स्टूडेंट, हमने आज क्या पढ़ा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं. ओके स्टूडेंट, सो रिवाइज इट.